रिफॉर्म में दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज़ लैंड सीलिंग लैंड सीलिंग देखी आपने तो वैसे ही यहाँ पे क्या था लैंड सीलिंग मतलब लैंड ओनरशिप की एक लिमिट फिक्स की गई थी जो हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी लैंड सीलिंग रिफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द लैंड विच इंडिविजुअल ओन बाय इंडिविजुअल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है जमींदार के पास में बहुत सारी लैंड थी अब गवर्नमेंट को ओनरशिप राइट किसको देने हैं फार्मर्स को पर जमींदार से डायरेक्टली तो नहीं जाके बोल सकते भाई तुम्हारी लैंड हमको वापस करो हमें जमीन। हमने फार्मर्स को लैंड देनी है ये पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट क्या लेके आई लैंड सीलिंग एक्ट लेके लैंड सीलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था दैट अ इंडिविजुअल दैट एन इंडिविजुअल कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड जो गवर्नमेंट ने दे दी लेट्स से फाइव लैंड्स आप ओन कर सकते हो अपने नाम पे ठीक है अगर आपकी मैक्सिमम लिमिट खत्म हो गई आपके पास फाइव लैंड के ज्यादा है तो उसके बाद में उन लैंडस का क्या होगा वो लैंड किसके पास जाएंगी अब गवर्नमेंट वो लैंड आपसे ले सकती है बिकॉज आपकी मैक्सिमम जो लिमिट थी उतना आपने होल्ड कर लिया आपको जो चाहिए अगर आपके पास में पंद्रह लैंड है आपको चाहिए कि आपको पांचों बड़ी लैंड होल्ड करनी है आप करो नो इश्यूज बट उसके बाद में जो रिमेनिंग लैंड है अब वो किसके पास जाएगी वो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी beyond the specified limit all the lands belonging to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landless cultivators and small farmers government आपसे अब आपकी लैंड ले लेगी अब गवर्नमेंट को जैसे चाहिए वैसे वो फार्मर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो ऐसे ही तो हम फार्मर्स को लैंड लैंड की ओनरशिप दिलाएंगे बिकॉज़ उनके पास तो थी नहीं लैंड्स लैंड्स किसके पास थी ज़मींदार्स के पास थी ठीक है पर फार्मर्स को उनका राइट देना है तो वो इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप स्टेप लिया था द दर्पज ऑफ द लैंड सीलिंग टू रिड्यूस द ऑफ द लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स दैट मीन क्या था सिर्फ ऐसा नहीं हो जैसे कॉलोनियल रूल में जमींदार जो थे दे वर फ्यू बट कल्टिवेटर्स मोर बट स्टिल पावर किसके पास था जमींदार के पास था कंट्रोल किसके पास था जमींदार के पास लैंड की अथॉरिटी किसके पास जमींदार के पास तो ऐसा नहीं होना चाहिए अथॉरिटी थोड़े हाथ थोड़े हाथों में नहीं फ्यू हैंड्स में नहीं होनी चाहिए सबको इक्वल मिलना चाहिए तो यहां से गवर्नमेंट ने क्या किया अपना एक जो गोल था इक्विटी वाला वो भी फुलफिल करने की पूरी ट्राई करी राइट नाउ लैंड सीलिंग हेल्प द हेल्प टू प्रमोट इक्विटी जो मैंने अभी आपको बोला इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर गवर्नमेंट के जो चार मेन गोल्स थे उसमें से एक उन्होंने फुलफिल करने के पूरी की पूरी ट्राई की थ्रू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियट एंड लैंड सीलिंग

हमने लैंड सीलिंग एक्ट तो दे दिया हमने लिमिट भी दे दी बट ये लोग क्या निकले ये लोग स्मार्ट निकले? लो निकले इन्होंने लूप होल्ड ढूंढ लिया इन्होंने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल देवर चैलेंजिंग कि हमारी लैंड्स आप हमसे कैसे ले सकते हो ठीक है जब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये तो फिक्स ही है लैंड सीलिंग एक्ट तो आएगा और आएगा तो इन्होंने क्या किया दिस डिलेड टाइम दे यूज दिस टाइम टू क्या किया उन्होंने ट्रांसफर कर दी लैंड अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर मेरे पास 25 लैंड्स हैं बट आई कैन होल्ड ओनली फाइव तो कोई बात नहीं मैंने मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया मेरे बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया मेरे अंकल के नाम पे ट्रांसफर कर दिया फादर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया तो उससे अल्टीमेटली हुआ क्या मेरी जितनी भी लैंड्स थी वो मेरे ही पास रह गई ठीक है मेरी लैंड्स गवर्नमेंट के पास में नहीं गई एंड दिस वॉज द मेजर रीजन ड्यू टू विच अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ कंप्लीटली एंड लैंड सीलिंग एक्ट भी कहीं ना कहीं पर फेल हुआ सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने से नहीं होगा अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भी कमिटेड होना पड़ेगा कि ये रिफॉर्म्स लाने हैं मतलब लाने हैं तो केरला एंड वेस्ट बेंगाल में बहुत सक्सेसफुल रहा नाउ

pehle tha land reforms next tha green revolution so let's move on to our next topic which is green revolution